आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, हमसे भी तो अपनी खुशी शेयर करो। मुझे पता है तुम शेयर नहीं करने वाले। क्यों नहीं करूँगा। सुनो दोस्तों, आज स्कूल में मैंने एक बच्चे की मदद की। उसे पेंसिल चाहिए था, मेरे पास दो थे, मैंने एक उसे दे दिया। वाह उमर, ये तुमने बहुत अच्छा और बड़ा काम किया। तो इसमें खुश क्यों हो रहे हो? मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसकी मदद करके मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। वाह तुमने तो सदका दे दिया। ये सदका कैसे हुआ? थोड़ी उसने भिखारी या यतीम को पैसा दिए हैं। इसे भी सदका ही कहते हैं। हाँ जैद, सदका मदद करने को कहते हैं। तुम किसी भी चीज से किसी की मदद कर दो, उसे सदका कहते हैं। हाँ अम्मी ने कहा था, अगर किसी अंधे या माजूर इंसान को रोड क्रॉस करा दे या कोई और मदद कर दे तो ये सब भी सदका होता है। एक हदीस में आता है, मुस्कुराना भी सदका होता है। तो क्या हम रास्ते चलते किसी को भी देखकर मुस्कुराते फिरे? नहीं जैद, दरअसल अपने माँ बाप को, किसी गरीब यतीम और जरूरतमंद को देखे तो घमंड और गुस्से से ना देखे, बल्कि मुस्कुरा कर, ताकि उन्हें खुशी मिले और हमारा ये अमल सदके में शुमार हो जाएगा। मतलब इससे सदके का सवाब मिल जाएगा? बिल्कुल। और दूसरे हदीस में ये भी आता है कि अगर हम लोगों की चलने फिरने की जगह और रास्ते से पत्थर कांटे कंकड़ बाजू कर दे जिससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है तो ये भी सदका है। खैर, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वो क्यों भला? वो इसलिए कि मेरा बैग कितना पुराना है और क्लास में समीर और अल्ताफ के कितने नए और अच्छे बैग है। अरे तो इसमें परेशान क्यों हो, और वैसे भी तुम्हारा बैग तो अच्छा है, बिल्कुल मेरे बैग जैसा। जैद तो हमेशा परेशान ही रहता है, कभी अपने खिलौनों को दूसरे के खिलौने से कंपेयर करके, तो कभी अपने जूते और चप्पल भी। जो इंसान अपनी चीजों को दूसरों से कंपेयर करे और तकब्बुर करे तो ये अल्लाह की नाशुक्री हो जाती है। अब तुम लोग भी मुझे सताओ मत, हाँ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो जैद, रुको, रुक जाओ जैद। अरे हमने उसे ऐसा क्या कह दिया? जाने दो उसे, वो हमेशा दूसरे की चीजों को देखकर जलता रहता है। हम उसे जाने तो देते हैं, लेकिन हमें अपनी दोस्त की सलाह करनी होगी। आखिर इस तरह हसद रखने से उसे बहुत नुकसान होगा और गुनाह भी। रहने भी दो अब्दुल्ला, जैद की सलाह करने जाएंगे तो बेकार में झगड़ने लगेगा। नहीं ऐसा भी नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि अब्दुल्ला के वजह से उसने दूसरों को चिढ़ाना और बुरे नाम से पुकारना बंद कर दिया है। हाँ ये बात तो है। तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए। तो बताओ अब्दुल्ला, तुम्हारे पास क्या तरकीब है? ऐसा करते हैं, तुम सब खाना खाकर मेरे घर आ जाओ, हम वही प्लान बनाएंगे। ठीक है अब्दुल्ला, जल्द मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों आ जाओ, सभी अंदर आ जाओ, मेरे कमरे में चलते हैं। तो बताओ अब्दुल्ला, क्या किया जाए? हाँ बतूल, मेरा प्लान कुछ इस तरह है कि हम पहले तो चलो दोस्तों, आओ इस मिशन को कामयाब करते हैं। मैं फौरन घर जाकर खिलौने लेके आता हूँ। ठीक है। अरे देखो सामने जैद भी आ गया, लेकिन उमर अब तक नहीं पहुंचा। सब्र करो, वो आता ही होगा। जरूर अम्मी ने उसे कुछ काम दे दिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बतूल, आज उमर नहीं आया? वो आता ही होगा, अपने नए खिलौने लेने गया है वो। नए खिलौने? हाँ उसे नए खिलौने मिले हैं। अच्छा तो क्या हुआ, मेरे पास भी बहुत से नए खिलौने हैं। अरे जैद, हम सभी के पास तो खिलौने होते हैं, लेकिन तुम अपने खिलौने को कंपेयर क्यों करने लग जाते हो? मैंने कब किया कंपेयर, और मुझे क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम सलाम। वाओ उमर, माशाल्लाह कितना अच्छा है तुम्हारा नया खिलौना। वाकई में माशाल्लाह। जैद देखो कितना अच्छा है ना? हाँ ना है तो। अरे अपने दोस्त के नए खिलौने देखकर खुशी नहीं हो रही तुम्हें? हाँ ये खिलौना टूट क्यों नहीं जाता, मैं मौका पाते ही इसे खराब कर दूंगा। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऐसे खिलौने नहीं है। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है अब्दुल्ला? हाँ देखो, सभी के पास इतने अच्छे कपड़े हैं, स्कूल बैग है, खिलौने हैं, और मेरे पास नहीं है। मेरा दिल कर रहा है मैं इस खिलौने को तोड़ दूँ, इसे खराब कर दूँ। अब्दुल्ला ये तुम क्या कह रहे हो?
इस अब्दुल्ला को क्या हो गया है? ये क्या हो गया है तुम्हें अब्दुल्ला? अब्दुल्ला तुम्हें कुछ हो गया क्या? क्या हुआ तुम्हें अब्दुल्ला? तुम्ही ने बताए थे ना कि हमें दूसरों की खुशी और दूसरों की चीजें देखकर जलना नहीं चाहिए, किसी को अपने से ज्यादा बढ़ते हुए देखकर हसद नहीं करना चाहिए, फिर आज तुम ही ऐसा कह रहे हो। हाँ अब्दुल्ला, तुमने ये भी तो कहा था कि जब कभी हमें किसी को देखकर खुशी ना हो तो समझो हमारे दिल में शैतान वसवसा डाल रहा है। और अगर ऐसा हो तो हमें उनके लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए और उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा जद, तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मैं उमर के खिलौने को और उसकी खुशी को देखकर जल नहीं रहा, और मैं सभी से इस बात को कहता हूँ कि मेरे दिल में मेरे दोस्तों और किसी के लिए भी बुरा नहीं, और ना ही किसी से कोई हसद है मुझे। लेकिन जैद, तुम अभी अभी तो उमर के खिलौनों को देख कर मुँह बना रहे थे, और सुबह स्कूल में दूसरों के बैग देख कर तुम्हें खुशी भी नहीं मिल रही थी। हाँ, इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके बैग को अच्छा रखे, और अल्लाह ताला उमर के खिलौने को भी अच्छा रखे, और अल्लाह मुझे उनकी खुशियों में शामिल करे। और मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उसने मुझे भी इतनी सारी चीजों से नवाजा है। वाह जैद, तुम कितने अच्छे हो। मैं तुम्हें अपना खिलौना खेलने देना चाहता हूँ, तुम इसे रखो, जब खेल लो तभी लौटा देना। वाकई में जैद का दिल कितना साफ है। हाँ, अल्लाह सुबहाना वताला सभी को ऐसे अच्छे दोस्त अता करे। अरे हाँ जैद, तुमने तो कमाल कर दिया। वो मैं मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन ऐसी दुआ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा दिल कितना हल्का हो गया, मानो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये सब मुझसे कैसे हो गया? जैद, ये सब अब्दुल्ला का प्लान था कि तुम्हें एहसास दिलाया जाए कि हमें दूसरों से और दूसरों की खुशी से हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की खुशी में हमें भी खुश होना चाहिए और दूसरे की चीजों को देखकर खुश होना चाहिए और अपनी चीजों पर शुक्र बनाना चाहिए। हाँ जैद, और अगर हमारे दिल में किसी के मुतालिक जरा भी बुरा आए तो हम उनके लिए अल्लाह से अच्छी दुआएं करें, तो इससे हमारे दिल साफ होंगे और हम अच्छा सोचेंगे। वाकई में अब्दुल्ला, मैं आज से ऐसे ही करूँगा। इससे कितना सुकून मिल रहा है। मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई। चलो अब चलकर खेलते हैं। चलो, बैट और बॉल हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे उमर, हमारा बैट तो कितना छोटा है, और इरफान के पास तो कितना नया और बड़ा बैट है। जैद, तुम भी शुरू हो गए। ओह दोस्तों, माफ करना, मैं भूल गया था। माफी तो तुम्हें अल्लाह सुभान व तआला से मांगनी चाहिए। चलो सभी अपनी अपनी जगह ले लो। आज बैटिंग कौन कर रहा है? पहले मैं खेलूंगा पहली बैटिंग में।